ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 24 जनवरी 2019 गुरुवार का दिन है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सिंह राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। इस दिन चतुर्थी तिथि होने से तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी के रूप में व्रत किया जाता है, पूजन अर्चन किया जाता है और संकष्टी तिल चतुर्थी की कथा का श्रवण भी किया जाता है। हमने आप लोगों के लिए संकष्टी तिल चतुर्थी की कथा का वीडियो अपलोड किया है, उसको आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि चतुर्थी की कथा सुनने मात्र से ही व्रत एवं पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रोदय रात्रि को 9:26 पर होगा। चंद्रोदय होने के पश्चात चंद्रमा का पूजन करने के बाद, अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है या व्रत का समापन किया जाता है। दिशा शूल की यदि हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मकर राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध धनु राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला और धनु, इन 6 को विशेष कृपा गणेश जी की प्राप्त होगी। ये 6 लकी राशियां रहने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक मामलों में पहले से थोड़ा सुधार होने का योग है। अधिकारियों की मदद से बड़े काम आप निपटा लेंगे। पार्टनर से सहयोग और प्यार मिल सकता है। पार्टनर का मिजाज भी अच्छा रहेगा। आपको कोई अच्छी खबर मिलने का योग है। आपके लिए दिन अच्छा है और फायदेमंद भी साबित होगा। कर्ज से मुक्ति पाने में आप सफल हो जाएंगे। आज होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरी तरह किसी काम के परिणाम आपके अनुसार ही मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आर्थिक मामलों में थोड़ा बहुत सुधार होने का योग भी बन रहा है। मानसिक तनाव से परेशान आप हो सकते हैं। पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय के रूप में थोड़ी सी शहद खा करके यदि आप घर से निकलेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके फालतू खर्च बढ़ सकते हैं। बिना सोचे समझे कहीं पैसा निवेश न करें। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हर चुनौती को अलग करते हुए कामकाज में लगे रहने का समय है। दूसरों के मामलों में जरा भी दखल न दे। माता की सेहत में गिरावट और सुख में कमी महसूस होगी। आमदनी में कमी आ सकती है और आपके खर्च बढ़ने की संभावना है। आपको हर तरह से सावधान रहना चाहिए। कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। आज आप जोश में आकर ऐसे वादे कर सकते हैं जो पूरा करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। भोजन में आपको सावधानी रखना चाहिए। उपाय के रूप में पानी में थोड़ी हल्दी मिलाकर के यदि पेड़ के नीचे डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी में पदोन्नति और ट्रांसफर के योग आपके सामने आ सकते हैं। नए लोगों से दोस्ती होगी। कामकाज में मन लगेगा। दिन अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। आज आपको पूरे उत्साह और लगन से काम करना चाहिए। संतान से सुख और कोई अच्छी खबर मिलने का योग है। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जिसके माध्यम से आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है। किसी जरूरी काम से भी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। घर परिवार और निजी मामलों से जुड़े कोई खास काम भी आपको निपटाने पड़ेंगे। कोई संबंध शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। अचानक किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का योग बन रहा है। आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और उपाय के रूप में नहाने के पानी में यदि आप सफेद फूल डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क क्षेत्र में आपके कामों की तारीफ होगी। नया काम शुरू करने का मन बना सकते हैं। आप दिमाग के बजाय दिल से व्यवहार करेंगे।
पार्टनर से सहयोग और खुशी आपको मिलेगी। दिन अच्छा रहेगा, नए मौके आज आपको मिल सकते हैं। मकान खरीदने के लिए दिन अच्छा है। विवाह संबंधी मामले आपके सामने आ सकते हैं। आप लाभ के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। आपके कामकाज की तारीफ होगी। परिवार के मामले निपट सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा। कोई नई योजना आपके सामने आएगी जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। और उपाय के रूप में पानी में तिल डाल करके नहाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज कामकाज ज्यादा रहेगा। बिजनेस करने वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कारोबार के सिलसिले में कहीं यात्रा करने का योग बन रहा है। कैरियर में आज आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। आपको किस्मत का साथ और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। अधूरा काम निपटा ले। भविष्य के बारे में बहुत बारीकी से विचार करना होगा। ऑफिस या आपके दायरे के कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। बिजनेस के लिए दोस्तों से आपको मदद प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण कामों में समय बीत सकता है। जूनियर्स आपकी मदद करेंगे और बिना बहस में पड़े ही आपको अपना काम करना चाहिए, जिससे समस्या का समाधान भी आप स्वतः ही निकाल लेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप पीला फूल माता जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कार्य क्षेत्र में मेहनत आपकी ज्यादा रहेगी। कोई बड़ी बात जिम्मेदारी आपकी जो है उलझ सकती है। किस्मत के भरोसे कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। आज जो भी फैसले लेने हैं ध्यान से और सोच समझ करके ले। आज आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप परेशान हो सकते हैं। किसी काम में अति न करें। ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरों को कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थकान, परेशानी और मौसम की जो बीमारियां हैं वो आपको परेशान कर सकती है। उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अतिरिक्त आमदनी भी आपको प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी से प्यार और सहयोग मिलेगा। आपके या जीवन साथी के कैरियर में अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं। परेशानियां कम हो जाएगी। लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। आपको फायदा होगा। धन लाभ का योग बन रहा है। आज आपको जो है कहीं पर घूमने फिरने जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। नौकरी और कामकाज ज्यादा रहेगा। हाथ पैर में दर्द रहेगा। अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उपाय के रूप में पानी में यदि सुगंधित चीज मिला करके आप अपने ऑफिस या कार्यस्थल में या अपने घर में छींटेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सावधानी रखने का दिन है। कामकाज में मन लगाने में दिक्कत हो सकती है। कंफ्यूजन भी बना रह सकता है। प्रेमी का व्यवहार आज आपको ठीक नहीं लगेगा। किस्मत और दोस्तों का साथ भी आज आपको कम ही मिलेगा। आपके सुख में भी कमी हो सकती है। किसी बात का अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। व्यापार में कोई भी रिस्क न ले। कार्य क्षेत्र में बहस आपकी किसी के साथ हो सकती है। परेशानियां भी आ सकती है। जोखिम भरे कामों को आपको करने से बचना चाहिए। जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। उपाय के रूप में सौंफ और मिश्री दोनों एक साथ खा करके घर से निकलेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। नौकरी में पदोन्नति के अवसर है। रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में आज आप सफल हो जाएंगे। योजनाएं आपको सफलता दिलाएगी। नए रिश्तों की शुरुआत होने का योग है। नए अवसर आपको मिल सकते हैं। दोस्तों और भाइयों से आपको मदद प्राप्त होगी। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिहाज से समय अच्छा है। आज किसी तरह का कर्जा लेने की आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसकी स्वीकृति या मंजूरी मिल सकती है। संबंधों के बारे में कोई स्थायी फैसला करने के पहले गहराई से खुद पर विचार कर ले। और पार्टनर का मिजाज भी अच्छा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। थकान भी मिटेगी। और दूध की मिठाई खा करके यदि आप घर से निकलते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप सोच समझ कर ही निवेश करें। जोखिम भरे फैसले लेने के लिए समय ठीक नहीं है। करियर में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ पुरानी बातों को भुला करके नए सिरे से काम की शुरुआत करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। नौकरी और अपनी स्थिति पर विचार आपको करना होगा। आज आप जो भी योजना बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं उसे लेकर के सावधान ही रहे। निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। निवेश न करें वरना आपका पैसा कहीं उलझ भी सकता है। परिवार में किसी के सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। और उपाय के रूप में तांबे के बर्तन में रखा पानी यदि आप पिएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। ऑफिस के कुछ खास काम पूरे हो जाएंगे, दिन सामान्य रहेगा, रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। आप जरूरत से ज्यादा अपने घर और परिवार की जरूरतें पूरे करने के ऊपर ध्यान देंगे। पार्टनर आपके दिल की बात समझेगा और कोई गलत फहमी भी सुलझ जाएगी। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी उम्मीद के अनुसार ही आपको फायदा होगा। उपाय के रूप में तुलसी के पौधे में यदि आप पानी चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सम्मान आपको प्राप्त होगा, धन लाभ का योग बन रहा है। आज आपको बिजनेस में फायदा या नौकरी में प्रमोशन का योग है। आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा और ग्रहों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आप कुछ नया करने की कोशिश भी करेंगे, आप कुछ सोच समझ कर ही बोले, आपकी सोच और विचारों में नयापन आ सकता है। आपका ध्यान नियमित कामकाज निपटाने पर रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उससे नहाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।